नमस्कार दोस्तों, गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान का नाम आते ही लोगों के मन मंदिर में एक ख्याल जरूर आता होगा कि वहां पर रेतीले दोहरे हैं, चिलचिलाती धूप में प्यासे लोग हैं, पर्याप्त पेयजल का अभाव है। लेकिन दोस्तों, कुदरत का करिश्मा देखिए, आज वही रेतीले दोहरे सोना उगल रहे हैं, सोना। चाहे वो ऑयल के क्षेत्र में हो, गैस हो, या फिर कोयला हो, सोलर एनर्जी हो, या विंड एनर्जी हो, इत्यादि प्रकार के जो तमाम प्रकार के संसाधन हैं उनको अपने आगोश में इस प्रकार उन्होंने लपेट रखा है, मानो एक नए राजस्थान का स्वागत कर रहा है। आज उसकी जो चर्चा है वो विदेशों की धरा तक गूंज रही है। आइए, आज हम पचबद्रा बाड़मेर में लगने वाली जो रिफाइनरी है उसके बारे में, तमाम प्रकार के जो पहलू हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, चर्चा स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये एक पार्ट था जो मैं पेट्रोलियम संसाधन से रिलेटेड है वो मैं ला चुका हूं। अगर आप तमाम प्रकार के जितने भी कुएं हैं उनसे रिलेटेड गैस के भंडार हैं जैसलमेर बाड़मेर की साइड में, तो आप इस पार्ट को आप देख सकते हो, ये पहले आ चुका है। उसके अलावा आज इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये जो परियोजना है पहले की सरकार के द्वारा लाई गई थी, उसके बाद में इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं ये चीज़ें जानेंगे। उसके बाद में हम जो वर्तमान की जो योजना है किस प्रकार इसको पूर्ण रूप दिया जाएगा, इस योजना का विवरण जानेंगे। उसके बाद में हम योजना के जो लाभ हैं वो जानेंगे। उसके बाद में जो अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारम्भ किया है, तो शुभारम्भ के अवसर पर इन्होंने कुछ नाम है वहाँ पर लिए थे, मेजर दलपत सिंह शेखावत का लिया था, गुलाब चंद सालेचा का लिया था। ये इसलिए लेता हूँ कि ये हो सकता है हिस्ट्री से रिलेटेड जो आर्ट एंड कल्चर में वहाँ पर जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी ब्रीफ जानेंगे। तो ये आज अपना जो वीडियो बनेगा इस पर आधारित पूरा रहेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो तेल के भंडार हैं दोस्तों, 1999 के आसपास ही वहीं तेल के संकेत हैं वो बाड़मेर के साइड मिल चुके थे। बाद में 2004 के अंतर्गत अपने को पहला कुआ है मंगला नाम से, इसका मंगला नाम रखा था, तो मंगला नाम का पहला कुआ अपने को मिला था तेल का। उसके बाद में 2005 में भग्यम और ऐश्वर्या नाम के कुएं अपने को मिल चुके हैं। अब तक लगभग 36 तेल क्षेत्रों की खोज हुई है, उसमें 200 से अधिक जो तेल कुएं हैं हमको प्राप्त हो चुके हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। जो बेसिकली जो अभी जो उत्पादन हो रहा है तेल का वो बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन वहाँ से हो रहा है। कुल चार बेसिन में आपने डिवाइड किया था जब हमने पेट्रोलियम संसाधन वो पढ़ा था, तो वहाँ पर जैसलमेर बेसिन था, बीकानेर नागौर बेसिन था, विंध्यन बेसिन था। इस प्रकार ये चारों बेसिन में कुल मिलाकर 14 जिले हैं इससे लाभान्वित होने वाले हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद में दोस्तों बात करें, अगर राजस्थान में क्रूड ऑयल का अगर उत्पादन शुरू करने की बात करें तो 29 अगस्त 2009 को मंगला फील्ड है ये मंगला, वहाँ से इसका जो उत्पादन है वो शुरू किया गया था। और जो अभी जो वर्तमान में अगर बात करें तेल के परिशोधन की, तो परिशोधन होता है दोस्तों जो जामनगर है गुजरात, वहाँ उस रिफाइनरी में वर्तमान में परिशोधन होता है। और वर्तमान में अगर हम उत्पादन की बात करें कि कितने लाख बैरल प्रतिदिन हमारा तेल है वो उत्पादन होता है, तो वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो 1.75 लाख है बैरल प्रतिदिन तेल है उत्पादन होता है। किस बेसिन में? बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन है। मैंने आपको चारों बेसिन के नाम बनाए हैं उसमें से इसका उत्पादन होता है। लेकिन दोस्तों जो वर्तमान प्रोजेक्ट है उसमें इसका लक्ष्य है कि 37,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे, निवेश किए जाएंगे, और बाद में इस जो उत्पादन है 1.75 से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया जाएगा, 5 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से इसका बढ़ा दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों इस रिफाइनरी की सबसे अच्छी बात यह है कि जो BS6 मानक है, अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, BS6 मानक क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्तों भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड होते हैं। ये 2000 में पहले यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ इंट्रोड्यूस हुए थे और बाद में भारत ने इसको ग्रहण किया था। ये इस प्रकार के मानक स्तर होते हैं कि जो पेट्रोल डीजल है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन है वो किस किस प्रकार की रेंज में होगा। जिस प्रकार जैसे सल्फर है, ये अगर हम बात करें अभी जो वर्तमान में अपना पेट्रोल डीजल आता है वो BS4 का आता है दोस्तों, तो BS4 में क्या है कि जो सल्फर BS4 में 500 ppm है, उसके बाद में BS5 है उसमें जो 50 ppm है वो कर दिया। उसके अलावा अगर जो BS6 आएगी तो उसमें सल्फर की मात्रा कितनी रह जाएगी, मात्र वो रह जाएगी 10 ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन में ये संख्या गिनी जाती है ppm की।
तो 10 ppm की मात्रा रह जाएगी। इस प्रकार जो BS6 है वो इको फ्रेंडली होगी, यानी देश की पहली अगर इको फ्रेंडली रिफाइनरी की बात करें तो कौन सी है, बाड़मेर में लगने वाली पचबद्रा में रिफाइनरी है, वो इको फ्रेंडली रिफाइनरी रहेगी, जिससे क्या होगा अपने को पर्यावरण संरक्षण में भरपूर सहयोग मिलेगा। और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि अभी जो वर्तमान में भारत में 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था ये BS मानक, तो वर्तमान में अगर बात करें तो BS4 के डीजल और पेट्रोल अपने को गाड़ियों में अपने को देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों 2020 है वहां तक अपने को BS6 का है मानक का जो पेट्रोल डीजल है वो अपने को मिलने लग जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, तो BS6 है ये बहुत ही बेहतरीन जो फ्यूल होगा साबित होगा, तो ये एक मानक होते हैं स्टैंडर्ड जो इमिशन है स्टैंडर्ड है उनको, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। BS6 के बारे में और भी आप अच्छे तरीके से कहीं से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, जो पुरानी जो गवर्नमेंट थी उसने इसका शिलान्यास किया था और उसमें उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें थी पहले उसकी बात करते हैं। तो 14 मार्च 2013 को MOU हुआ था HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो, और किसके बीच में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, तो मैं GOR का मतलब यहाँ लिखूंगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो देखिए दोस्तों HPCL के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। 1974 में ये स्थापित एक कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और ये बेसिकली ऑयल नेचुरल गैस पेट्रोलियम लुब्रिकेंट वगैरह इसका काम में ये करती है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। और अब बात करते हैं दोस्तों जो MOU हुआ था, MOU की जो फुल फॉर्म है वो ये होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, हर चीज़ को हम बेसिक से लेकर चलेंगे ताकि सबके समझ में आए। उसके बाद में दोस्तों 22 सितंबर 2013 को इसका शिलान्यास किया गया था सोनिया गांधी के द्वारा, तो उसके बाद में इसमें जो हिस्सेदारी थी इस प्रोजेक्ट में वो 74% किसकी थी, HPCL की, और 26% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की थी, तो हिस्सेदारी ये आप याद रखें। अभी थोड़ी देर बाद में हम इस चीज़ को आप याद रखोगे तो वहाँ पर आपका जो वर्तमान में जो प्रोजेक्ट लगा है उससे आपका कंपेरिजन हो जाएगा। उसके अलावा अगर क्षमता की बात करें तो 9 मिलियन मीट्रिक टन है पर एनम पर ईयर है ये इसका उत्पादन क्षमता का ये रखा गया था। उसके अलावा अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है ये 15 साल में HPCL को 56,040 करोड़ रुपए, यानी पर ईयर कितने देगा 3736 करोड़ रुपए पर ईयर है वो देगा, और कितने साल के लिए देगा 15 साल के लिए, तो टोटल हो जाएंगे कितने दोस्तों 56,040 करोड़ रुपए ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान किसको देगा HPCL को, बाद में ये वापस इसको अदायगी करेगा HPCL। अब देखिए इसने जो अपनी 26% जो हिस्सेदारी है उसके बदले इन्होंने कुछ वित्तीय सहायता दी है, कितनी 3871 करोड़ रुपए इनको वित्तीय सहायता प्रदान की है, तो टोटल मिलाकर दोस्तों ये लगभग 60,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो ये तो था पुराना हिस्सा जो इंप्लीमेंट नहीं हुआ और फिर नई रिफाइनरी इंट्रोड्यूस हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इसके तारीखों का घटनाक्रम देख लेते हैं। जो 18 अप्रैल को जो नई सरकार है उसने 18 अप्रैल 2017 को एक MOU हुआ नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में। उसके बाद में 22 मई 2017 को टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। उसके बाद में 16 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार से स्वीकृति ली जाती है। उसके बाद में केंद्र सरकार की स्वीकृति में देखिए दोस्तों पर्यावरण वन मंत्रालय से ली जाती है या फिर भारत सरकार का कोई भी अनुमोदन है, ये तमाम प्रकार की जो अनुमति है भारत केंद्र सरकार से ली जाती है तो ये ली गई। और जो पिछली सरकार आई थी उसने एक ही खामी आती है कि उन्होंने जो तमाम प्रकार की जो अनुमतियां हैं केंद्र सरकार से वो नहीं ली थी, तो इसकी वजह से वो लागू नहीं हो सकी। अब बात करते हैं 17 अगस्त 2017 को इनका जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट होता है। उसके बाद में 16 जनवरी 2017 को इसका शुभारंभ किया गया था, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वहाँ पर जो पचबद्रा बाड़मेर है वहाँ पर इस रिफाइनरी का शुभारंभ किया गया। तो ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब दोस्तों जो नई परियोजना है उसका विवरण जानते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों ये चीजें हैं एग्जाम में अपने जरूर 100% बहुत सारी काम आएगी, डिस्क्रिप्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, इसका क्वेश्चन 100% आने वाला है अगले एग्जामों में, इसका सब एग्जामों पे असर पड़ेगा, तो ध्यान से देखना। स्थान दोस्तों यहाँ पर सांबरा है, सांबरा पचबद्रा में पड़ता है, सांबरा आप नोट कर लेना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, सांबरा पचबद्रा बाड़मेर में राजस्थान में ये स्थान है इस परियोजना का। देखो ये HRRL मतलब क्या है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, इस नाम से ये जानी जाएगी HRRL।
तो दोनों का जो अमय होकर ये इस प्रकार की कंपनी बन जाएगी HRRL, तो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। अब बात करते हैं कुल परियोजना की लागत की, तो दोस्तों परियोजना की लागत है वो 43,129 करोड़ रुपए लागत आएगी। तो ये चीज आप रट लें, दिमाग में मन मस्तिष्क में जरूर बिठा लें, 43,129 करोड़। अब इस प्रोजेक्ट की कोई भी योजना होती है उसका समापन की तिथि भी सरकार है वो निर्धारित करती है, तो इसका जो समापन का लक्ष्य है वो अगले 4 वर्ष यानी 2022-23 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा और राजस्थान के लिए बहुत ही बेहतरीन रिफाइनरी साबित होगी, इसकी आशा हम करते हैं। उसके अलावा जो पुरानी जो गवर्नमेंट के अंतर्गत था रिफाइनरी की क्षमता वो सेम है, 9 MMTPA मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। उसके अलावा इसको जो भूमि आवंटित की गई है 4813 एकड़ भूमि है, ये लगभग 12,000 बीघा जमीन के लगभग है, और इसके अलावा 27 किलोमीटर की लंबी इसमें चार दीवारी का निर्माण भी किया जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो कितने कितने परसेंट होगा ये चीज़ आप जरूर रटें और याद रखें, क्योंकि इसमें जो इक्विटी शेयर है HPCL का रहेगा 74% और राजस्थान सरकार का इसमें रहेगा 26%, तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब सेम वही है, 15 वर्षों तक ये प्रतिवर्ष 1123 करोड़ रुपए देगा जो HPCL है उसको, और वो होगा ब्याज मुक्त ऋण होगा यानी उसका कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो ये टोटल अगर 1123 को 15 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 100 होते हैं 16,845 करोड़ रुपए। उसके अलावा अगर वो 26% इक्विटी के बदले राज्य की ओर से जो वित्तीय सहायता है वो दी जाएगी 3738 करोड़ रुपए, तो टोटल होगा 20,573 करोड़ रुपए ये देने होंगे। तो इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो राज्य सरकार का जो वित्तीय बोझ है जो पुराने टाइम में 56,040 इसमें ये ऐड नहीं किया हुआ दोस्तों, ये जो 26% इक्विटी शेयर है ये तो लगभग राशि सेम की सेम है, लगभग 3738 करोड़ रुपए थी तो ये सेम है, और यहाँ पर जो घटकर है ये 16,845 हो गया, इसकी वजह से ये बचत है, ये इतनी बता रहे हैं कि इतनी बचत है वो राज्य सरकार को हो जाएगी, तो 40,000 करोड़ की बचत बता रहे हैं। अब बात करते हैं जो जो ऋण है वापिस है अगले 15 वर्षों तक, जो 16 वर्ष होगा उससे अगले 15 वर्षों तक ऋण अदायगी कर देगी। अब बात करते हैं इसमें जो लगने वाली मशीनरी है वो 30% उसके जो पार्ट्स हैं वो तो कौन से होंगे, विदेशी होंगे, और 70% पार्ट्स हैं वो भेल कंपनी है इंडिया की, वो इसमें पार्ट्स है आपने लगाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों पहले इस जो परियोजना का IRR ये होता है दोस्तों इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये 6.32% था, लेकिन अब जो वर्तमान में अगर रिफाइनरी लगेगी उसमें जो वर्तमान का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें ये रेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, 12.2% होगा यानी लगभग दुगुना। और इसमें एक चीज़ और की जाएगी जो केयर्न एनर्जी है ये तेल के कुएं की खोज करती है, तो अगले 4 साल में ये क्या करेगी, 27,000 करोड़ रुपए है वो कुएं खोजने में निवेश करेगी। तो दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य निकल कर सामने ये आते हैं कि एक तो इसका स्थान महत्वपूर्ण है, एक इसकी परियोजना की लागत महत्वपूर्ण है, और जो लक्ष्य है ये और इसकी रिफाइनरी की जो क्षमता है ये याद रखना है, ये भूमि आपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो इक्विटी ये परसेंटेज है ये याद रखने हैं, और ये ऋण है आप याद रख सकते हो चाहो तो, क्योंकि RS के लेवल के अगर क्वेश्चन बनाने वाला चाहे तो इसमें अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है और बनेगा 100% नो डाउट। उसके अलावा इसमें जो ये IRR है इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रिटर्न है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब परियोजना के जो लाभ हैं वो देख लेते हैं कि परियोजना के कौन कौन से लाभ होंगे उसके बारे में थोड़ी सी एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए कोई रिफाइनरी लगती है तो बेसिक सी बात है, जाहिर सी बात है उसमें रोजगार के नए अवसर नए आयाम जरूर विकसित होंगे, क्योंकि जो बाड़मेर रिफाइनरी लगेगी उसमें लगभग 14 जिले हैं जो इस बेसिन क्षेत्र में आते हैं वो जरूर इससे लाभान्वित होंगे, तो उसमें कुछ रिफाइनरी से डायरेक्ट और कुछ उनके सहायक जो उद्योग हैं जो रिफाइनरी से बाई प्रोडक्ट निकलेंगे जिसको हम सह उत्पाद बोलते हैं हिंदी में, तो वहाँ से जो निकलेंगे उसका भी यहाँ पर धंधा होगा और उसकी वजह से जो रोजगार के नए आयाम यहाँ पर स्थापित होंगे। अब बात करते हैं दूसरा जो लाभ होगा वो सामाजिक उत्थान का होगा, इससे कौशल विकास और शिक्षा की बढ़ोतरी होगी, अर्जित करने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगी, और जीवन सत्र है उसमें सुधार होगा यानी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लोगों का वहाँ पर सुधरेगा, तो ये एक प्रकार से सामाजिक उत्थान हो गया। अगर आर्थिक विकास की बात करें तो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में क्या होगा दोस्तों, पेट्रोकेमिकल पर जो आधारित जो अन्य उद्योग हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, जैसे दोस्तों जो रिफाइनरी है उससे पेट्रोकेमिकल्स है, पेट्रो इंजीनियरिंग है, पेट्रो मेडिसिनल रिसर्च है, पॉलीमर्स है,
प्लास्टिक उद्योग है आदि जितने भी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। साथ में पेट्रोल डीजल नेफ्था केरोसिन एविएशन फ्यूल है, तमाम प्रकार की चीज़ें बनेगी। और जो बाई प्रोडक्ट है सहायक जो प्लास्टिक फाइबर रबर पेंट जो अनेकों जो सहायक उद्योग है इनका भी विकास होगा। और साथ ही साथ जो मोम निकलता है बाई प्रोडक्ट डामर है प्रोफेलिन है अन्य प्रकार के हाइड्रोकार्बन जो उत्पाद हैं उनसे तमाम प्रकार की चीज़ों से अपने को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये आर्थिक विकास के अंतर्गत हो गया। उसके अलावा रिफाइनरी का जो वेस्ट होगा यानी जो कचरा बोलते हैं वेस्ट उसको कचरा ही बोलते हैं जो उससे क्या होगा पेटकोक है और वेस्ट पेटकोक है उससे 270 मेगावाट जो बिजली का उत्पादन करने की बात कही गई है। ये चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान रखें। पेटकोक अभी वर्तमान सरकार ने पेटकोक पे रोक भी लगाई थी, वो मुझे याद नहीं आ रहा किस पे लगाई थी। अवसंरचना का विकास है वो सड़क और संचार का नेटवर्क जरूर बढ़ेगा वहाँ पर क्योंकि ये रिफाइनरी लगेगी तो वहाँ पर संचार नेटवर्क तमाम प्रकार की जो बुनियादी ढांचा है वो मजबूत होगा। उसके अलावा वहाँ पर नए नए स्कूल कॉलेज की स्थापना की जाएगी क्योंकि जो कौशल विकास है जो परियोजना से संबंधित वहाँ पर उसका किया जाएगा तो वहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज वगैरह जरूर खोले जाएंगे पेट्रोल से रिलेटेड। उसके अलावा वहाँ की चिकित्सा सुविधा स्वास्थ्य लोगों का और सेवा उद्योग यानी जो होटल वगैरह हैं उनका वही डेवलपमेंट वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। उसके अलावा ये रिफाइनरी 4 वर्षों में ये पूर्ण कर ली जाएगी। तो ये तमाम प्रकार के लाभ हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। अब दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हम जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने दलपत सिंह शेखावत और जो गुलाब चंद सालेचा है उनके बारे में वहाँ पर चर्चा की थी। उसके अलावा वहाँ पर उन्होंने मल्लीनाथ जी के बारे में जो माता जी हैं तमाम प्रकार की उनके बारे में भी वहाँ पर बताया था। लेकिन ये पार्ट हम आर्ट एंड कल्चर में लेते रहते हैं बार बार तो वहाँ पर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। जैसे नागणेची माता है इसके बारे में आप ध्यान रखें, भटियाणी माता का उन्होंने जिक्र किया था तो वो भी आप ध्यान रखें। तो क्योंकि इनमें से क्वेश्चन है करंट का ट्रेंडिंग टॉपिक होता है तो कई बार क्या होता है उठा लेता है एग्जामिनर। तो बात करते हैं दोस्तों जो दलपत सिंह शेखावत है इनके बारे में। जो इजराइल है उसका जो हाइफा शहर था वहां पर उनकी आजादी की में इन्होंने अहम योगदान दिया था। और हाल ही में दोस्तों जो पीएम है अपने नरेंद्र मोदी वो इजराइल गए हुए थे और इजराइल के एक शहर है वहां पर उसका नाम है हाइफा तो वहां पर ये गए थे और इसकी वजह से ये चर्चा में रहा था और इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया था। क्योंकि जो मेजर दलपत सिंह शेखावत है उनका जो संबंध है वो देवली पाबूजी गांव है नाडोल के पास है पाली जिले में वहाँ से इनका वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे ठाकुर हरि सिंह उनके इकलौते पुत्र थे ये। और ये जो अपनी पढ़ाई के लिए जोधपुर के शासक सर प्रताप सिंह ने उनको इंग्लैंड भेजा था और 18 साल की उम्र में मात्र में ये जोधपुर लांसर में बतौर घुड़सवार भर्ती हुए और बाद में ये जाकर मेजर बने थे। तो जो रियासतें थी जोधपुर रियासत उसके अंतर्गत ये भारत की तरफ से तीन रियासतों ने जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीय जो सैनिक है उन्होंने भाग लिया था मैसूर जोधपुर और हैदराबाद। वहाँ पर जो जर्मनी और जो तुर्की सेनाएं हैं उनको वहाँ से किसने भगा दिया था इन्होंने इनके नेतृत्व में भगाया गया था मेजर दलपत सिंह शेखावत और एक नाम और था वहाँ पर कैप्टन अमान सिंह जोधा थे वो भी वहाँ पर शहीद हो गए थे। तो दोनों वहाँ पर शहीद हो गए थे। तो इजराइल शहर है हाइफा उसको मुक्त कराया था इन्होंने मात्र 1 घंटे में जर्मन और तुर्की सेना है उनसे मुक्त कराया था तो वहाँ पर ये शहीद हो गए थे। ये बेसिक सी जानकारी है लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखें हाइफा का युद्ध कब हुआ था 23 सितंबर 1918 का हुआ था और बाद में इनको दलपत सिंह शेखावत है इनको मिलिट्री क्रॉस है उससे भी नवाजा गया था। और वर्तमान में अगर जोड़कर देखें तो दिल्ली में जो 3 मूर्ति सर्किल था उसका नामकरण हाइफा चौक कर दिया गया है अभी हाल ही फिलहाल में सुर्खियों में है। और अभी जो इजराइल के जो हैं प्रधान वो यहाँ पर अपने भारत दौरे पर भी हैं तो ये चीज़ भी आप करंट से जोड़कर देख सकते हो उनके नाम जान सकते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो इजराइल के जो अभी डेलीगेट्स आया हुआ है भारत में उनका नाम क्या है। तो ये चीज़ें आप क्या बताया करो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करा करो ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये चीज़ें दलपत सिंह के बारे में मैंने आपको सारी बता दी और ये इन्होंने अंग्रेजों की तरफ से युद्ध किया था जोधपुर रियासत ने भाग लिया था। अब बात करते हैं दोस्तों गुलाब चंद सालेचा का नाम लिया था इनका जन्म तो हुआ था गंज मसौदा मध्य प्रदेश से और इन्होंने जो पहले क्या होता बैलगाड़ी का ही साधन होता था परिवहन का। तो ये नाकोड़ा तीर्थ है दोस्तों वहाँ पर ये हमेशा आते थे और आने की वजह से वहाँ इनको इतना रास आ गया पचबद्रा कि बाड़मेर के जो सेठ थे धनसुख दास उन्होंने इनको गोद ले लिया
और बाद में जो गुलाबचंद सालेचा हैं उन्होंने ब्रिटिश शासन में ही पचबद्रा में रेल लाइन बिछाने का काम किया था, उन्होंने बहुत संघर्ष झेले थे और बाड़मेर में इन्होंने कॉलेज का निर्माण कराया था, पेयजल जैसी समस्याओं से उनको इन्होंने निजात दिलाई थी। लेकिन बेसिक्स ही अपने को चीज याद रखनी है, इन्होंने नमक सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किया था। इन्होंने अंग्रेजों से क्या कहा था कि हमें नमक उत्पादन की अनुमति चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने नमक उत्पादन की अनुमति नहीं दी। और जब उन्होंने अंग्रेजों ने नमक उत्पादन की अनुमति नहीं देने की वजह से, मना करने की वजह से, उन्होंने सर्वप्रथम जो पचबद्रा स्थान है वहां पर नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को वहां पर तोड़ा था। तो पचबद्रा झील भी है खारे पानी की, तो ये भी चीजें आप कनेक्ट करके एक एक चीज से याद रखें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर रहे बगैर बिल्कुल न जाना। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ये हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन है 101% जरूर आएगा। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको जो वीडियो बताया है वो ज़रूर देखें, ताकि आपके जो ऑयल गैस से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं वो और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। ये ऊर्जा संसाधन पार्ट है 2, ये चीज़ें आप ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, राम राम सा, फिर मिलेंगे सा नए टॉपिक के साथ।